नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश इजीली चैनल। लर्न इंग्लिश इजीली चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इसका वीडियो देखते हैं और आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। दोस्तों, आज का जो टॉपिक लेकर हम आए हैं वो है ग्रामर रूल्स बेस्ड ऑन एडजेक्टिव। एडजेक्टिव हमने पढ़ा था पहले, प्लेलिस्ट पे रखा हुआ है ऑल चैप्टर्स के अंदर, चैनल के प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रूल है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ, एनडीए हो, सीडीएससी हो या एसएससी सीएचएसएल हो। दोस्तों, ये जो रूल्स आते हैं ये आइदर फाइंड द एरर के रूप में आते हैं या फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आते हैं, तो आपको रूल को अच्छे से समझना होगा। जब आप ये रूल समझ जाएंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज का ये 16 रूल है, यानी 16 रूल, रूल नंबर 1 से शुरू कर रहा हूँ। एडजेक्टिव ऑफ अ क्वांटिटी शोज हाउ मच ऑफ अ थिंग इज मेंट। मतलब जो क्वांटिटी, मात्रा को, काउंटिंग वाले क्वांटिटी को दिखाता है, तो वो एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं ये देखिए। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी होता है सम, मच, लाइटल, लिटिल, इनफ, ऑल, नो, एनी, ग्रेट, हाफ, सफिशिएंट, होल आर यूज फॉर अ अनकाउंटेबल नाउन ओनली। ये मात्रा तो दिखा रहा है पर ये अनकाउंटेबल नाउन की मात्रा दिखा रहा है, मतलब जिसे आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके नहीं गिन सकते, उस वाले अनकाउंटेबल नाउन को बोलते हैं। जिसे आप गिन नहीं सकते तो उसको आप अनकाउंटेबल नाउन बोलते हैं। अब देखिए, एग्जाम्पल समझिए। आई एट अ फ्यू राइस। अब इसकी मात्रा कैसे लेते हैं आप? केजी में लेते हैं राइस, यानी चावल। चावल को कैसे आप तोल सकते हैं पर गिन नहीं सकते हैं, ठीक है? एक दाना, दो दाना करके नहीं गिन सकते, ऐसे समझिए इस चीज़ को, तो आपको समझने में आसानी होगी। तो ये इसके साथ आप देखेंगे कि यहाँ पर फ्यू लगा है जो कि गलत है। यहाँ पर क्या आएगा? आई एट अ सम राइस या आई एट अ लिटिल राइस। आइए आगे देखते हैं। आई एट सम राइस, रीजन बींग ये अनकाउंटेबल नाउन्स हैं, नाउन है राइस, और इसके साथ इनमें से ही चीज़ें लगेंगी, तो सम लगा है। आइए रूल नंबर 2 देखते हैं। ये रूल को याद कर लीजिएगा, न्यूमरल एडजेक्टिव देखिए आर यूज फॉर काउंटेबल नाउन ओनली एंड दे शो हाउ मैनी पर्सन और थिंग्स आर मेंट और इन व्हाट ऑर्डर अ पर्सन और थिंग्स स्टैंड। मतलब ये काउंटेबल नाउन के साथ होगा, तो आप समझ गए काउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। अनकाउंटेबल नाउन को आप जिसे काउंट नहीं कर सकते हैं, और काउंटेबल नाउन जिसे आप काउंट कर सकते हैं, इसके साथ लगता है न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव कौन कौन से होते हैं? जैसे फ्यू, देखिए एग्जाम्पल, आई हैव टॉट माई सन लिटिल थिंग्स। नहीं, ये गलत सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि उसने अपने बेटे को क्या क्या सिखाया है, पढ़ाया है, टॉट, ठीक है, सिखाया है, तो उसमें वो गिन सकता है कि ये एक चीज़ सिखाई, दो चीज़ सिखाई, तीन चीज़ सिखाई, तो यहाँ पर लिटिल नहीं आएगा क्योंकि लिटिल अनकाउंटेबल नाउन के साथ लगता है। यहाँ पे आएगा आपका फ्यू, आई हैव टॉट माई सन अ फ्यू थिंग्स। दोस्तों, इसमें एक चीज़ और होता है काउंटेबल नाउन के अंदर, अ फ्यू और द फ्यू कहाँ लगता है, ये अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाके एडजेक्टिव का पूरा वीडियो देखिएगा, वहाँ पर पूरा आपको समझाया गया है अच्छे से। ये जो रूल बनाए हैं ये एक समरी बनाई है ताकि आपको एग्ज़ाम में रिवीजन करते हुए आसानी से याद करने का सहूलियत हो सके। रूल नंबर 3, व्हेन कार्डिनल एंड ऑर्डिनल आर यूज टुगेदर ऑर्डिनल प्रिसीड्स द कार्डिनल। कार्डिनल जो होता है ऐसे समझिए कि ये काउंट को दर्शाता है, 1, 2, 3, 4, और ऑर्डिनल जो होता है वो पोजीशन को दर्शाता है, यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब ये बोल रहा है कि जब आप एक सेंटेंस में कार्डिनल और ऑर्डिनल को यूज़ करते हैं तो ऑर्डिनल प्रिसीड्स द कार्डिनल, तो कार्डिनल से पहले क्या आता है, ऑर्डिनल आता है। अब ज़्यादा कन्फ्यूज़न मत करिएगा क्योंकि जब मैं एग्जांपल दूंगा आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, टेंशन की ज़रूरत ही नहीं है। आइए देखिए एग्जांपल,
द फाइव फर्स्ट गर्ल्स विल बी गिवन द चांस। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट क्यों है? फाइव यहाँ पर क्या है, आप काउंटिंग कर रहे हैं, तो फाइव है आपका कार्डिनल, राइट। फर्स्ट जो है ये पोजिशन को दर्शा रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये आपका हो गया ऑर्डिनल। तो यहाँ पे बोल रहा है रूल नंबर थ्री, ये बोलता है कि कार्डिनल से पहले ऑर्डिनल आता है। तो ऑर्डिनल क्या है? फर्स्ट, और कार्डिनल क्या है? फाइव। तो सेंटेंस बन जाएगा द फर्स्ट फाइव गर्ल्स विल बी गिवन द चांस। देखिए द फर्स्ट फाइव गर्ल्स विल बी गिवन द चांस। आइए रूल नंबर फोर में। रूल नंबर फोर बोलता है लेटर और लेटेस्ट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। लेटर और लेटेस्ट रिफर टू टाइम, और लेटर LATTER लेटर एंड लास्ट रिफर टू पोजिशन। ये दोनों चार शब्द हैं, दो दो ग्रुप में रखा गया है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। एडजेक्टिव के पार्ट के अंदर लेटर और लेटेस्ट टाइम को रिफर करते हैं, किसी पॉइंट ऑफ टाइम को रिफर करते हैं, लेटर एंड लास्ट पोजिशन को रिफर करते हैं। एग्जाम्पल देखिए कैसे इनकरेक्ट सेंटेंसेज आते हैं। आई रीच्ड एट 11 AM बट सी वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड, मतलब वो देर से आई। तो ये वाला लेटर तो पोजीशन को रिफर करता है, LATTER देखिए, तो ये वाला लेटर नहीं लगेगा, ये लगेगा LATER, क्योंकि वो देर से आई बोल रहा है। तो इसका मतलब वहाँ पर टाइम रिफर किया जा रहा है, तब आपका ये वाला लेटर लगेगा LATER। बड़ा सिंपल है रूल नंबर फोर। आई रीच्ड एट 11 बट सी वॉज लेटर देन आई एक्सपेक्टेड। आइए रूल नंबर फाइव देखिए। फार्दर मीन्स मोर डिस्टेंस और एडवांस्ड, फर्दर मीन्स इन एडिशन टू या एडिशनल। फार्दर दूरी से ताल्लुकात रखता है, फर्दर का मतलब होता है इसके अलावा। अब देखिए सेंटेंस में कैसे गलत देते हैं एग्जाम में और आपको कैसे करेक्ट करना है। माई फादर इंसिस्टेड ऑन फार्दर इम्प्रूवमेंट, दूर की सुधार के लिए, सेंटेंस ही गलत है। फादर तो डिस्टेंस है, इम्प्रूवमेंट तो यहाँ पे डिस्टेंस के सुधार के लिए तो नहीं बोलेगा फादर। फादर जो बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं फर्दर इम्प्रूवमेंट, मतलब एडिशनल इम्प्रूवमेंट और इम्प्रूवमेंट करने के लिए। क्लियर है? ये था रूल नंबर फाइव। अब आइए रूल नंबर सिक्स में। रूल नंबर सिक्स देखिए, ईच इज यूज इन स्पीकिंग ऑफ टू और मोर थिंग। ईच शब्द का प्रयोग कहाँ होता है? जब आप दो या दो से अधिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एवरी इज यूज ओनली स्पीकिंग ऑफ मोर देन टू। तो बहुत ही सिंपल है, जब दो या दो से अधिक बात कर रहे हैं के लिए बात कर रहे हैं तो ईच लगेगा, और जब दो से ज़्यादा के लिए बात कर रहे हैं, दो के लिए बात नहीं कर रहे हैं, तो आपका एवरी लगेगा। एग्जाम्पल देखिए, बहुत आसान एग्जाम्पल आएगा। एवरी ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज, इनकरेक्ट है। यहाँ पे हम सिर्फ दो लड़कों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ईच आएगा, ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट द प्राइज। ये रूल याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, कई साल के एक्सपीरियंस को मिलाकर मैंने ये वीडियो बनाया ताकि ये रूल बनाया आप लोगों को याद हो सके और आसानी से, क्योंकि इंग्लिश के कई चैनल देखे होंगे आपने, काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है। पर यहाँ पर क्रक्स दिया जा रहा है, रिटर्न एग्ज़ाम क्लियर करने का क्रक्स है ये। अगर आप वाकई में एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं तो इन रूल को याद कर लेना। देखिए अब यहाँ पे आ गया, ईच ऑफ द टू बॉयज विल गेट अ प्राइज। आगे आइए, एवरी ऑफ द थ्री बॉयज विल गेट अ प्राइज, ये ऑटोमेटिक करेक्ट है क्योंकि आप यहाँ पर दो से अधिक की बात कर रहे हैं, यानी तीन की बात कर रहे हैं। आइए आगे देखते हैं रूल नंबर सेवन। टू एक्सप्रेस क्वांटिटी और डिग्री सम इज यूज इन अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी अगर कोई अफर्मेटिव सेंटेंस है और उसमें आपने क्वांटिटी और डिग्री को दर्शाना है तो सम लगाएंगे, और अगर वही सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस हो या इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, इंटरोगेटिव सेंटेंस याद है ना आपको, प्रश्नवाचक वाक्य, तो वहाँ पर आप एनी लगाएंगे। सम और एनी में ये फ़र्क होता है, याद कर लेना। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्वांटिटी और डिग्री को दर्शाने के लिए आप सम लगाते हैं, और नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में आप एनी का इस्तेमाल करते हैं।
आगे देखिए रूल नंबर 7 का एग्जांपल, हैव यू बॉट सम एप्पल्स, इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो सम नहीं आएगा, आप यहाँ पर क्या लगाएंगे, एनी, हैव यू बॉट एनी एप्पल्स। रूल नंबर 8, व्हेन टू क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन और थिंग आर कंपेयर्ड द कंपैरेटिव फॉर्म ER इज नॉट यूज, क्या यूज होगा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री इज यूज फॉर दिस पर्पज। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है प्लीज़ रूल समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप प्लेलिस्ट में जाके ऑल चैप्टर के अंदर में एडजेक्टिव वाला वीडियो जरूर देखिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा पूरा एडजेक्टिव का पार्ट। अब आइए इस रूल को डिस्कस करते हैं। जब दो क्वालिटी ऑफ द सेम पर्सन और थिंग, बोल रहा है किसी एक व्यक्ति या वस्तु की दो क्वालिटी को कंपेयर कर रहे होते हैं आप, तो सेंटेंस जो लगेगा उसमें कंपैरेटिव डिग्री नहीं लगेगा। कंपैरेटिव करेंगे तो उसका ER फॉर्म नहीं लगेगा। जैसे ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, एग्जांपल दे रहा हूँ, ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट, ग्रेट आपका पॉजिटिव डिग्री है, ग्रेटर आपका कंपैरेटिव डिग्री है, ग्रेटेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो ग्रेटर वाला फॉर्म नहीं लगेगा, आप उस पर मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। जब एक आदमी या एक वस्तु की दो क्वालिटी का जिक्र हो रहा हो किसी वाक्य में, एग्जांपल देखिए, शीतल इज वाइजर देन ब्यूटीफुल। शीतल यहाँ पे एक व्यक्ति हो गई, वाइजर एक क्वालिटी हुआ, ब्यूटीफुल दूसरा क्वालिटी हुआ, तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि यहाँ पे देखिए कंपैरेटिव का ER वाला फॉर्म यूज हुआ है। इस सेंटेंस में एक व्यक्ति की दो क्वालिटी को कंपैरिजन किया जा रहा है, और जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो कंपैरेटिव डिग्री ER फॉर्म यूज नहीं होगा। ये अभी रूल में डिस्कस किया है, सिंपल आएगा शीतल इज मोर वाइज देन ब्यूटीफुल। क्यों मोर वाइज देन ब्यूटीफुल क्यों आएगा, आपको पता ही है। आगे देखिए रूल नंबर 9, When comparison is made by means of comparative, the thing compared should be excluded from the class of things with which it is compared by using other or such word. ये वाला रूल आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना चाहूँगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल जल्दी क्लियर होगा। देखिए, हिमेश इज क्लेवर देन एनी बॉय इन द क्लास। यहाँ पे किससे, हिमेश की तुलना किससे हो रही है, जो भी लड़के थे क्लास में, एनी बॉय। तो बोल रहा है व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री है क्लेवर का, क्लेवरर क्लेवरेस्ट होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री लिया है। द थिंग कंपेयर्ड शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द क्लास ऑफ थिंग द थिंग्स। अब ये आप देखिए क्लेवरर को, ठीक है, आपने कंपैरेटिव से यूज़ किया है, विद विच इट इज़ कंपेयर्ड बाय यूजिंग अदर, तो आप कैसे कंपेयर करेंगे, अदर शब्द का प्रयोग करके। हिमेश इज क्लेवरर देन एनी अदर बॉय इन द क्लास, क्योंकि वहाँ पे एक ही लड़का नहीं है, ये चीज़ याद कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, रूल नंबर 9, दो बार लिखकर, तीन बार लिखकर याद करना, भूलना मत। रूल नंबर 10, व्हेन कंपैरिजन इज मेड बाय मींस ऑफ सुपरलेटिव, जब कंपैरिजन आप सुपरलेटिव को यूज करते हैं, द थिंग कंपेयर्ड शुड इंक्लूड द क्लास ऑफ थिंग विद विच इट इज कंपेयर्ड। एग्जांपल देखिए, 9th और 10th को रिलेटेड है, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल अदर मैन, इसका राइट आंसर है ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल मैन। तो समझ गए, जब आपने कंपैरिजन किया था कंपैरेटिव का यूज़ करके, तब आपने अदर लगाना था, और जब आप सुपरलेटिव डिग्री यूज़ कर रहे हैं और दूसरे उसी क्लास से कंपेयर कर रहे हैं, तो आप अदर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रूल 9 और 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्ज़ाम में आते हैं। पीछे प्रैक्टिस सेट देख लीजिएगा जो मैंने आपको कराया है, और आगे मैं प्रैक्टिस सेट भी और करवाऊँगा, तो उसमें आपको ये रूल का जिक्र मिलेगा। रूल नंबर 11, व्हेन टू पर्सन और थिंग्स आर कंपेयर्ड। अब देखिए, जब दो व्यक्ति या दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं,
इट इज इम्पॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट ऑफ द थिंग शुड बी कंपेयर्ड, मतलब उसके सेम पार्ट का, सेम हिस्से का कंपैरिजन होता है। तो वो चीज़ सेंटेंस में भी झलकना चाहिए। एग्जांपल, द पॉपुलेशन ऑफ पटना इज ग्रेटर देन भोपाल, ये इनकरेक्ट है। द पॉपुलेशन ऑफ पटना, पटना का क्या पॉपुलेशन ग्रेटर है भोपाल से, ये बोलना चाह रहा है। तो पहले ये समझ लीजिए, वेन टू पर्सन और थिंग्स, यहाँ पे दो स्थान की, पटना और भोपाल का कंपैरिजन हो रहा है। किससे? वहाँ की जनसंख्या से, पॉपुलेशन से। तो ये पॉपुलेशन जो यहाँ आया है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेम पार्ट ऑफ द थिंग शुड बी कंपेयर्ड। तो यहाँ पे ऐसा वर्ड आएगा कि जिससे ये पता चलेगा कि भोपाल की पॉपुलेशन की बात करें, देन भोपाल ना होके देन दैट ऑफ भोपाल हो जाएगा। द पॉपुलेशन ऑफ पटना इज ग्रेटर देन दैट ऑफ भोपाल। तो आप नोट कर लीजिएगा प्लीज़, रूल नंबर 9th, रूल नंबर 10th, रूल नंबर 11th बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए रूल नंबर 12, डबल कंपैरेटिव्स एंड सुपरलेटिव शुड नॉट बी यूज। एक वाक्य में अगर एक आदमी या एक आदमी की दो क्वालिटीज़ या एक स्थान की दो क्वालिटी या एक वस्तु की दो क्वालिटी या दो आदमी की एक क्वालिटी को कंपेयर कर रहे हैं या सुपरलेटिव डिग्री में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर डबल कंपैरेटिव्स और डबल सुपरलेटिव इस्तेमाल नहीं होगा सेंटेंस में। एग्जांपल देखिए, यहाँ पे एक आदमी की दो क्वालिटी को अगर करना चाहते हैं, या ही इज़ द मोस्ट क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास, या आपने सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है, क्लेवर क्लेवरेस्ट क्लेवरेस्ट क्लेवर क्लेवरर क्लेवरेस्ट, ठीक है। तो सुपरलेटिव डिग्री है क्लेवरेस्ट, अब मोस्ट भी सुपरलेटिव डिग्री है, तो आप दो सुपरलेटिव डिग्री यूज़ नहीं कर सकते सेंटेंस में। ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये सिंपल हो जाएगा, ही इज़ द क्लेवरेस्ट बॉय इन द क्लास। यही चीज़ हमने रूल में बोली है, अगर आपको समझ में आया है ठीक है, नहीं समझ में आया है तो आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में ज़रूर पूछ लीजिएगा। रूल नंबर 13 बोलता है द कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स। अब देखिए कंपैरेटिव एडजेक्टिव्स कौन कौन से होते हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, सीनियर, जूनियर, प्रायर, एंटीरियर, पोस्टीरियर, प्रिफर एक्सेट्रा शुड बी फॉलोड बाय टू इंस्टेड ऑफ देन। ये कुछ कंपैरेटिव एडजेक्टिव हैं जिनके बाद हमेशा टू लगता है, देन नहीं लगता है। ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ही सीनियर देन मी, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर ये कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है सीनियर। सीधा आंसर होगा ही इज सीनियर टू मी। जब आपको रूल पता होगा तो आप फाइंडिंग द एरर जरूर आसानी से निकाल पाएंगे, कर पाएंगे। रूल नंबर 14, एडजेक्टिव लाइक यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, नोट कर लेना, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर एंड राउंड विच डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपेरिजन शुड नॉट बी कंपेयर्ड। ये चीज़ों में विच डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपेरिजन, इसके साथ डिग्री ऑफ कंपेरिजन नहीं लगेगा दूसरा, और ये कंपेयर नहीं हो सकते। ही इज़ द मोस्ट यूनिक थिंग, नहीं लिख सकते हो मोस्ट, क्योंकि यूनिक अपने आप में एक अलग चीज़ है। आप समझ रहे हैं इस चीज़ को, यूनिक, आइडियल, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिवर्सल, एंटायर, एक्सट्रीम, चीफ, फुल, स्क्वायर एंड राउंड विच डू नॉट एडमिट डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिफरेंट डिग्री ऑफ कंपैरिजन नहीं ले सकते, मोस्ट, मोर, यूनिक ऐसे नहीं लिखेंगे, ना आप सुपरलेटिव लगाएंगे इसके आगे, ना आप कंपैरेटिव डिग्री यूज़ करेंगे। अगर आपको प्लीज़ सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री नहीं पता है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे, प्लेलिस्ट में जाके एडजेक्टिव वाला वीडियो देख लीजिएगा, ऑल चैप्टर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाया गया है। तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट है, मोस्ट नहीं यूज़ होगा। ये वर्ड्स याद कर लेना, एग्ज़ाम में आते हैं। रूल नंबर 15, ऑल द एडजेक्टिव विच रिफर टू द सेम नाउन शुड बी इन द सेम डिग्री ऑफ कंपेरिजन।
जितने भी एडजेक्टिव आप यूज करते हैं किसी एक नाउन के लिए, सेम नाउन के लिए, मतलब एक नाउन है उसके लिए अलग अलग एडजेक्टिव अगर यूज कर रहे हैं तो उनका डिग्री ऑफ कंपैरिजन सेम होना चाहिए। ही इज़ द वाइसेस्ट एंड ऑनेस्ट वर्कर इन द ऑफिस। क्या ये सेंटेंस सही है? वाइसेस्ट, वाइज, वाइजर, वाइसेस्ट मीन्स वाइज हो गया आपका पॉजिटिव डिग्री, वाइजर हुआ कंपैरेटिव, वाइजेस्ट हुआ सुपरलेटिव। ऑनेस्ट, अब ऑनेस्ट हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, अगर आपने देखा हो, देखना चाहेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए हमने इस पे ऑनेस्ट कहीं पढ़ा था, ये ऑनेस्ट आएगा आपका आगे, ये रूल हमने डिस्कस किया। तो जब आप यहाँ ऑनेस्ट लिख रहे हैं तो इसके आगे ऑनेस्ट का अगर आप सुपरलेटिव डिग्री लेना चाहेंगे तो मोस्ट लगेगा। ऑनेस्ट, ऑनेस्टर, ऑनेस्टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, मोस्ट ऑनेस्ट लग जाएगा, मोस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। अगर यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री यूज़ किया है तो इसका भी सुपरलेटिव लेंगे, तब जाके ये सेंटेंस करेक्ट होगा। अगर यहाँ पर आपने कंपैरेटिव डिग्री लिया होता तो यहाँ पे वाइजर होता और यहाँ पर आप मोर ऑनेस्ट लिखते हैं, क्योंकि मोर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में आता है। ये बोल रहा है कि जो डिग्री यहाँ लगाओगे वही डिग्री यहाँ लगेगा। ऑल द एडजेक्टिव विच रिफर टू द सेम नाउन, क्योंकि वाइजेस्ट और ऑनेस्ट किस नाउन के लिए है, ठीक है, वो सोचिएगा। सेम नाउन के लिए है तो सेम डिग्री लगेगी, बस इतना याद रखना है आपने। रूल नंबर 16, एल्डर एंड एल्डेस्ट शुड बी यूज्ड फॉर अ पर्सन ओनली। एल्डर और एल्डेस्ट आप हमेशा व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करेंगे जब आप बोल रहे हैं। दे आर यूज्ड फॉर द मेंबर ऑफ द सेम फैमिली ओनली, पहला व्यक्ति के लिए इस्तेमाल होगा, दूसरा एक ही परिवार के सदस्यों के लिए इस्तेमाल होगा। और ओल्डर एंड ओल्डेस्ट आर यूज फॉर बोथ पर्सन एंड थिंग। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट वस्तु के लिए भी हो सकता है इस्तेमाल और व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, नोट कर लीजिएगा। एल्डर एंड एल्डेस्ट इस्तेमाल होगा सिर्फ व्यक्ति के लिए और एक ही परिवार के लोगों के लिए। ओल्डर एंड ओल्डेस्ट इस्तेमाल होगा व्यक्ति के लिए भी हो सकता है, वस्तु के लिए भी हो सकता है, और इसमें परिवार का कोई रोल नहीं होता। देखिए ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर, गलत है, क्योंकि ब्रदर है, भाई है, तो एक ही परिवार का हुआ। यहाँ पर क्या आएगा, ये बोलना चाह रहा है कि वो मेरा बड़ा भाई है, एल्डेस्ट या एल्डर ब्रदर। अगर भाइयों में सबसे बड़ा है बोलता तो एल्डेस्ट आ जाता। दोस्तों ये थे 16 रूल जो एडजेक्टिव के ऊपर बेस्ड था, बड़ा क्रक्स वीडियो बना के आपको बताया गया है। देखिए 22 मिनट के वीडियो में आपने 16 रूल पढ़ लिए, मतलब लगभग सवा मिनट में एक रूल। अगर आप ये याद कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपके इंग्लिश ग्रामर में कमांड आ जाएगी। अगर दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए रूल्स के साथ, नए वोकैब्स के साथ। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लर्न इंग्लिश इजीली चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में घंटी ज़रूर बजाइएगा, क्योंकि जब आप बेल आइकन दबाएंगे तब आपको लाइव नोटिफिकेशन आएगा, जिससे आपका एक भी वीडियो मिस नहीं होगा। ये नोट कर लेना, वीडियो मिस नहीं होगा और आपसे क्लासेज नहीं छूटेंगी। आज के लिए बस इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।